इफेक्ट्स so, डिस्कस हो गए कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज एंड ट्रेड का रिलेशनशिप और पर्टिकुलरली ग्रोथ की बात हमने की ग्रोथ थ्रू ट्रेड अब जो आपके पास एक बड़ा सिग्निफिकेंट uh, चीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए होती है हमेशा से वो रहती है उसकी टर्म्स ऑफ ट्रेड तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को हमने पहले जो पढ़ा है अभी तक वो बड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर पढ़ा है इसकी एक दो और जो टाइप्स हैं उसको एक इन स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करते हैं तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं सपोज आपके पास कमोडिटी uh, और नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको कहा जाता है दैट इज़ डिफ़ाइंड एज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अब जितने भी टर्म्स ऑफ ट्रेड की हम बात करेंगे यहाँ पे हम एक बेस ईयर लेंगे बेस uh, ईयर हमेशा uh, वो ईयर होता है जिससे कंपैरिजन किया जाता है सपोज़ अगर आज हम uh, 2021 के अंदर हैं या 22 के अंदर हैं तो अगर हम नाइनटीन की बात करते हैं तो हम इसका मतलब है कि नाइनटीन से कंपैरिजन करेंगे कि नाइनटीन में क्या था और आज उसमें कितने परसेंट चेंजेस आई हैं तो इन दिस एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि 1980 का कोई एक बेस ईयर है और उसके कंपैरिजन हम करवा रहे हैं 2000 दस के साथ और फ़र्दर ये भी एज्यूम करते हैं कि आपके पास बेस ईयर के अंदर प्राइसिस ऑफ़ एक्सपोर्ट्स जो थी वो भी हंड्रेड थी और प्राइस जो इम्पोर्ट की थी वो भी हंड्रेड थी दैट मीन्स आपके पास प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू वन ये इस वजह से एज्यूम किया है ताकि एक आसान uh, सा एनालिसिस हो सके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या uh, कंपटीशन से हम अवॉइड uh, कर सकें उनको तो सपोज़ आपके पास इन uh, 2010 जो है आपके पास एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो uh, कम हो जाती हैं 5 परसेंट के हिसाब से एंड देन आपके पास जो इम्पोर्ट्स हैं उनका बिल या प्राइसेस जो हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं टेन परसेंट के हिसाब से तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज़ को डालें तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स हम कहते हैं कि हंड्रेड था तो उसका फाइव परसेंट जब रिड्यूस हुआ तो आपके पास रह गया नाइन्टी फाइव वैल्यू क्योंकि हंड्रेड परसेंट था फाइव परसेंट निकल गया तो नाइन्टी फाइव टेन परसेंट का इंक्रीज आया आपकी इम्पोर्ट्स की प्राइसेस के अंदर तो वो आपके पास वन टेन हो गया मल्टीप्लाई बाय फार्मूला हंड्रेड का एंड देन वी गेट एटी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स अब अगर आप देखें तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड में डिटोरिएशन आई है uh, क्योंकि अगर ये वैल्यू हंड्रेड से अबव होती तो दैट मीन्स आप पहले से बेहतर टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर हैं और जब भी ये वैल्यू हंड्रेड से कम होगी तो वो ये शो करेगा कि आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो डिटोरिएट किए हैं या कम हुए हैं तो इस केस के अंदर वी कैन से दैट नेशंस एक्सपोर्ट प्राइसेस फेल बाय फोटीन परसेंट इन रिलेशन टू इट्स इम्पोर्ट प्राइसिस के आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस जो इम्पोर्ट की प्राइस की नस्बत जो है वो फोटीन परसेंट कम हुई हैं दैट मीन्स यू आर नाट यू आर नाट गेटिंग पॉजिटिव रिटर्न और पॉजिटिव गेंस फ्राम द ट्रेड आपके पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले की नस्बत कम हो रही हैं इन लेटेस्ट स्टेज़ हम ये डिस्कस करेंगे इसकी रीज़न्स क्या हैं या क्यों एक्सपोर्ट कम होती हैं अभी हम ये एज्यूम uh, डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं ये एक सिंपल टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं फॉर्मूला की फॉर्म के अंदर अब हम इनकॉर्पोरेट इनकॉप्रेट करते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड मैयर्स को अब ये इस टाइप का uh, जो मैयर है ये डेवलपिंग कंट्रीज बड़ा रेपिडली इसको फॉलो uh, भी करते हैं और इसको देखते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी होता है uh, इसके फार्मूले को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा मयर सा नेशंस एक्सपोर्ट बेस कैपेसिटी टू इम्पोर्ट दैट मीन्स क्या नेशन की एक्सपोर्ट्स में इतनी कैपेसिटी है कि वो इम्पोर्ट करें या वो कैपेसिटी का लेवल क्या है वंस अगेन अगर आपके पास ये हंड्रेड uh, से ऊपर जाएगा तो दैट मीन्स आपके पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी कैपेसिटी बिल्ड कर रही हैं टू इम्पोर्ट मोर कॉमोडिटीज़ अब जैसे मैंने पहले बात की है दिस टाइप ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जैसे हमने पहले बात की बात की इंडोजिनस ग्रोथ थेरी को लेके कि डेवलपिंग कंट्रीज नीड टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज नीड इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ आपके पास कैपिटल गुड्स रिक्वायर्ड होती हैं मशीनरी रिक्वायर्ड होती है जो डेवलप कंट्रीज के अंदर नॉर्मली बन रही होती हैं तो उस केस के अंदर अगर ये फिगर हंड्रेड से जितना बढ़ता चला जाएगा दैट मीन्स इकॉनमी के पास उतना रूम आता जाएगा फॉर इम्प्रूवमेंट टू ग्रो और वहाँ पे इम्पोर्ट भी ज़्यादा कर पाएगा और अल्टीमेटली वो uh, ज़्यादा ग्रोथ करेगा देन इसका अगर फार्मूला देखें तो इसको हम आई से रिप्रजेंट करें आई इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट ए मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स क्यू एक्स इज इंडेक्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स तो ये क्यू एक्स शो कर रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी हो रही हैं अब इस फॉर्मूले के अंदर रिज्यूम्ड वैल्यूज़ कुछ डालते हैं वंस अगेन वी आर कंपेयरिंग नाइनटीन एटी टू टू थाउजेंड टेन और एज्यूमिंग दैट कि आपके पास प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज़ हंड्रेड प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इज़ हंड्रेड एट इन नाइनटीन एटीज़ जब हम टू थाउजेंड टेन के अंदर जाते हैं तो वी आर टेकिंग दैट कि आपके पास प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स फेल करती है सॉरी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स फेल करती हैं बाय फाइव परसेंट तो वो हो जाती हैं नाइन्टी फाइव और हम uh, जो इम्पोर्ट्स uh, की प्राइसेस को हंड्रेड uh, ही रखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वन ट्वेंटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी है या वो 120 है सपोज इंडेक्स है uh, यहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज़ 103.63 अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपके पास प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं जो हम लोगों ने ऊपर कॉमोडिटी uh, और नेट या जैसे आप नेट बाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं उसमें भी ये इजूम किया था लेकिन वहाँ पे हमने ये शो किया था कि आपके पास कंट्री को कंट्री नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है या uh, उसकी जो एक्सपोर्ट uh, हैं वो कम हो गई हैं इम्पोर्ट के नस्बत तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है लेकिन उसी फिगर के साथ हमने एक थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स को जब शामिल किया तो अब ये क्या शो कर रहा है कि ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट इज़ देयर के आपके पास थ्री परसेंट कैपेसिटी बढ़ी है कैपेसिटी टू इम्पोर्ट वो थ्री परसेंट थ्री पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट इंक्रीज़ की है अल्टीमेटली इसमें हम ये कह सकते हैं कि चाहे आपकी प्राइसेस कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट्स की लेकिन अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है या एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं तो यू आर बेसिकली इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन आप राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपने ओवरऑल uh, प्राइसेस कम के बावजूद आपने जो है वो अपनी क्वांटिटीज जो हैं कॉमोडिटीज़ की इतनी बढ़ा ली हैं कि आपको उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या जो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग आ रही है कंट्री के अंदर उससे आप बेहतर तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकते हैं सो so, ये दो बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं मोस्टली टर्म्स ऑफ ट्रेड जो इनकम की बात है उसको ही करते हैं uh, दो और हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको हम मैं uh, पास सुन जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजेज में नहीं आते इसमें एक चीज़ थोड़ा सा सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की हम बात कर सकते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है इट मई द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स दैट नेशन कैट्स पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर प्रोडक्शन इम्पॉर्डेड इन एक्सपोर्ट्स तो अगर इसके फार्मूला की तरफ जाएं, सो एस इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट और मल्टीप्लाई बाय जी एक्स अब हमने वो क्यू एक्स की जगह पे जी एक्स डाला है जो क्या एक्सप्लेन करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन द नेशंस एक्सपोर्ट सेक्टर तो वंस uh, अगेन अगर आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आप बेहतर uh, प्रोड्यूस कर रहे हैं कम रिसोर्सिस के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं तो ये जो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो आपका इम्प्रूव होगा तो वंस अगेन अगर ये हंड्रेड से ज़्यादा होता है इसकी वैल्यू तो डेवलपिंग कंट्रीज़ आर इन द राइट डायरेक्शन बेहतर है आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड ये भी टू सम एक्सटेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इंडिकेटर तो उसी एग्ज़ैम्पल को uh, लेके चलते हैं यहाँ पे हम ये ज्यूम करते हैं वंस अगेन आपके पास नाइनटी फाइव जो है वो फाइव परसेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइसिस में डिक्रीज़ आया है इम्पोर्ट प्राइस आर सेम वन थर्टी इज़ योर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दैट मीनस जो हंड्रेड बेस अगर आप उसको देखें तो थर्टी परसेंट मोर इज़ योर प्रोडक्टिविटी दैन जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है वन ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन तो वंस अगेन आप ये कह सकते हैं कि ट्वेल्व परसेंट जो इम्पोर्ट अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स द नेशन इज़ गेटिंग पर यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट इन एक्सपोर्ट्स या प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हुई है वंस अगेन डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डिवलप कंट्रीज़ वो इस आइडिया को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं ना वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं बल्कि इम्पोर्ट्स एलिमेंट को भी इनकॉपरेट करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड मेयर्स हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स आर एक्सचेंज्ड पर यूनिट ऑफ फॉरेन फैक्टर्स इम्पोर्टेड इन इट्स इंपोर्ट तो फार्मूला तकरीबन वही है लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चेंज आई है कि आपके पास जो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इन नेशन एक्सपोर्ट था वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंडक्स इन इम्पोर्ट्स की भी बात हो रही है तो so, फॉमूला जो है वो बनता है पी ओवर पी मल्टीप्लाई बाय जी एक्स ओवर जी एम मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब ऊपर uh, वाली एग्जांपल को ही थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड कर लेते हैं और uh, अगर हम ये बात करें कि आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राइसेस फाइव परसेंट गिरी हैं तो वो नाइन्टी फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड बेस वही है एक्सपोर्ट प्राइसेस सेम है आपकी प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जो आपका एक्सपोर्ट्स uh, का है वो है वन और जी की वैल्यू जो है वो हंड्रेड से बढ़ के हो गया वन जीरो फ़ाइव सो आंसर इज़ वन ज़ीरो सिक्स पॉइंट नाइन टू तो इस केस के अंदर जो आपके पास कंट्री जो है वन से गेन टर्म्स ऑफ ट्रेड चाहे आप किसी भी टाइप की बात करेंगे इफ़ इट इज़ अबव हंड्रेड तो वहाँ पे जो कंट्री है उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा था तो ये डिफरेंट टाइप्स के टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं जिनमें जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड और सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा इम्पॉर्टेंट रहे हैं फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ और वो अपनी ग्रोथ को लेके या डेवलपमेंट को लेके या ट्रेड के एस्पेक्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव को एसेस करने के लिए इन दो मईर्स को बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंस देते हैं